हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश, इस चैनल का होस्ट आपका दोस्त। जी हां दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नो बाय मुकेश यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट रहा मेरे फेसबुक पेज पे और यहां यूट्यूब चैनल पर कि सर हमें यह बताओ कि हमारा वॉच टाइम कैसे काउंट होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने एक फेसबुक पेज बना लिया है और वहाँ पर आपका वॉच टाइम बहुत ही कम काउंट होता है या फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपको पता नहीं रहता कि आपको किस प्रकार से उसको काउंट करना है और फेसबुक किस प्रकार से उसको काउंट करती है, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से डिटेल बाय डिटेल बताऊँगा और प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊँगा कि आप जैसे लाइव करते हैं तो उसका वॉच टाइम किस प्रकार से आपको काउंट किया जाएगा लाइव के अंदर या इन स्ट्रीम एड के अंदर। तो उसी प्रकार से मैं आपको बताऊँगा, पूरा डिटेल्स के अंदर ले जाकर मोबाइल स्क्रीन पर बताऊँगा कि किस प्रकार से आपका वॉच टाइम काउंट होता है और किस प्रकार से आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। आप इस प्रकार से अगर करते हैं, जो कि मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका दो तरफ से वॉच टाइम काउंट होगा, जो कि लाइव स्ट्रीम में भी आपका वॉच टाइम काउंट होगा और इन स्ट्रीम ऐड होता है उसमें भी आपका वॉच टाइम काम में आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना होगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नॉलेजेबल वीडियोज मैं लेकर आते रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं और एक मोस्ट बात आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर फेसबुक से रिलेटेड सारी सीरीज बना रखी है, कंप्लीट वीडियोज बना रखे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है फेसबुक पेज के अंदर तो आप मेरे वीडियोज देखकर अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं और कमेंट के द्वारा भी आप अपना सॉल्यूशन करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं लेकर आया हूं आपको ब्राउजर पर, यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि इन स्ट्रीम एड, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं अपना यहां पर 93% वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक्टिव वीडियोज भी हमारे कंप्लीट है और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी 93% वॉच टाइम दिखेगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका एक ही वॉच टाइम दो जगह काम करेगा, यानी आपका वॉच टाइम कैसे आपको काउंट करना है और किस प्रकार से फेसबुक पेज जो है आपके वॉच टाइम को काउंट करता है, कैसे आपके हर मिनट को काउंट करता है, कैसे आपके कुछ सेकेंड को काउंट करता है या नहीं करता है, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, सेम टाइम आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहां पर अदर मोनेटाइजेशन टूल पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आप देख सकते हैं जो कि यहां पर जो एलिजिबल मिनट है वो इन स्ट्रीम ऐड की है और यहां पर आप देख पाओगे तो यहां पर लाइव का जो वॉच टाइम है ब्रॉडकास्ट इंगेजिंग कंटेंट, तो यहां पर इसका 100% हो चुका है और यहां पर भी ये 93% है और इसको आपको पूरा करना होगा तभी जाकर आप लाइव से मोनेटाइज करा सकते हैं और इन स्ट्रीम ऐड से भी आप मोनेटाइज करा सकते हैं। तो दोस्तों ये लाइव का है और ये यहाँ पर बिना लाइव का हो गया, जैसा कि कोई भी कंटेंट आप वीडियोज अपलोड करते हैं उस प्रकार से आपका यहाँ पर काउंट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ जो कि यहाँ पर क्रिएटिव स्टूडियो है फेसबुक का, तो यहाँ पर अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 123K यानी 1,23,000 मिनट व्यूड अपने यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर 12K 1 मिनट व्यूड है और वीडियो एंगेजमेंट आपको 19K दिख रहा है, फॉलोअर्स दिख रहे हैं। तो आपको कहाँ से काउंट करना है, जैसा कि आपको 1 मिनट व्यूड यहाँ पर काउंट होता है और 1 मिनट का 1 व्यू जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आपको 1 मिनट यहाँ पर मिले हैं 12,000 मिनट, यानी आपको 12,000 मिनट मिल चुके हैं और 1,23,000 अगर आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये आपका काउंट नहीं होगा। तो दोस्तों इसके अलावा आपको नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर हाउ लॉन्ग पीपल आर वॉचिंग यहाँ पर आप देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 1 मिनट के जो व्यूवर्स हैं वो आपको 12,000 मिल चुके हैं और ये आपका वॉच टाइम काउंट होगा जो कि 12,000 मिनट, और यहाँ से आपका 15 सेकेंड जो लोगों ने देखा वो 95,000 लोग हैं जिन्होंने आपका जो 15 सेकेंड वीडियो देखा है। तो दोस्तों 15 सेकेंड का आप लगा सकते हैं, 95,000 लोगों ने आपको 15 सेकेंड देखा है तो आपका कितना मिनट हुआ और यहाँ पर कितना आपको वॉच टाइम मिला है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,45,000 लोग आपके वीडियोस को देखे जो कि 3 सेकेंड तक देखे, तो 3 सेकेंड का आप काउंट कर सकते हैं, 4,45,000 लोगों में 3 सेकेंड तक का देख सकते हैं और इसका मिनट बना के इसका घंटा बना के आप देख सकते हैं कि आपको कितना वॉच टाइम यहाँ पर मिला है। तो दोस्तों पहले क्या होता था, एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जैसा कि आपके 1 मिनट व्यू होते हैं वही पहले काउंट किए जाते थे, जो कि अगर कोई बंदा आपको 1 मिनट वीडियो भी देखता है उसी का वॉच टाइम काउंट किया जाता है, उसी का व्यू वहाँ पर काउंट होता था। बाकी अब यहाँ पर आपका 15 सेकेंड व्यू का भी जुड़ेगा, 3 सेकेंड व्यूज का भी आपका वॉच टाइम काउंट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि
टुडे। तो यहाँ पर टुडे पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा यहाँ से ओपन हो जाने देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 मिनट व्यूड 1.9K। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 1900 है। तो यहाँ पर अपना वॉच टाइम इसी प्रकार से काउंट होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए अपडेट जानने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।